इसका भी तकरीबन 10.5 किलो वेट होगा और ये भी तकरीबन 80 से 85 हज़ार, इसमें कम से कम 18 से 20 किलो वेट है साइकिल में। और भाई लगेज की बात करें तो कम से कम 20 से 25 किलो के आसपास होगा अराउंड। भाई कुछ भी कहो, हमारे एरिया से ऊपर कोई एरिया नहीं है। पानी के मामले में ले लो, खाने पीने के मामले में ले लो। नमस्ते एवरीवन, मैं नाम मोहित चौहान, मैं कर रहा हूँ 75 हार्ड साइकिलिंग चैलेंज दिल्ली टू कन्याकुमारी। आज मेरा 58वां दिन है और तुम्हारे भाई के 6000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से राम मंदिर अयोध्या, वहाँ पे दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद मैं निकलूँगा दिल्ली के लिए और दिल्ली से मेरठ, मेरठ से फिर शामली। तो भाई टोटल 6000 हमारा किलोमीटर कंप्लीट हो गया, 6052 किलोमीटर। और अब बाकी सफ़र हमारा 1500 किलोमीटर से प्लस है, 1600-1700 किलोमीटर है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और वो कंप्लीट करने में अब मेरे पास टाइम बस 17 दिन बचे हैं और वो मुझे 17 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देख सकते हो कि तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और भाई ये जो ट्रिप थी वो 7500 किलोमीटर तक होनी थी, पर नहीं भाई, ये इससे ऊपर जाने वाली है। वैसे भाई लोग, जब मैं घर से निकला था तो मैं एक चीज़ सोच ली थी पहले ही कि 7000 से लेकर 7500 के बीच में रहने वाला है मेरा ये सफ़र, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई, 7500 प्लस जाने वाला है हमारा। जी हाँ, तो भाई तुम्हारा भाई इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो थोड़ी सी मेहनत तुम भी करो। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। कल रात को तुम्हारे भाई को चार्जिंग की सुविधा भी मिल गई थी। देखो यहाँ पे बोर्ड है, वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, टेंट के अंदर ही लगा रखा था, ऐसे लटका रखा था यहाँ पे। और भाई एक बुरी खबर है, ये देखो बोर्ड पूरा फट गया है। देखो अब इसको ठीक करवाना पड़ेगा, चाहे कैसे भी इसको ही रखूँगा भाई, दूसरा नहीं बनवाऊँगा, इसको ही ठीक करूँगा। मतलब कि यहाँ पे वो पिन वगैरह लगा दूँगा कुछ। 8 बज गए हैं, निकलते हैं यहाँ से, टेंट पैक करते हैं, टाइम हो रहा है निकलने का। तो भाई लोग पानी भी ले लिया है, टेंट भी पैक कर लिया, शेरनी को भी रेडी कर दिया, बस निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। 8 से ऊपर हो गया, 8:30 बजने वाले हैं। तुम्हारे भाई को पता है यहाँ की क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है पता है? चलो दिखाई दो तुम्हें, यहाँ के तालाब नदी वगैरह भाई इतने साफ मिलेंगे ना तुम्हें, भाई क्या ही बताऊँ तुम्हें। अगर ये NCR का एरिया होता तुम्हें यहाँ से कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देता, प्लास्टिक ही प्लास्टिक। ये देखो भाई कितनी साफ सफाई है, मतलब कहीं पे भी तुम्हें कूड़ा करकट दिखने का ही नहीं बिल्कुल भी। तुम्हारे भाई को यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगे यहाँ की। और सबसे बड़ी बात, अगर राजस्थान में भी गए होंगे तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा जो वहाँ की झील है, मतलब तालाब है भाई, एक नंबर, इतनी ज़्यादा साफ सफाई है ना। तुम उसमें अगर तुम गंदगी करोगे ना, तुम पे फाइन लग जाएगा भाई, 5-5-10 हज़ार रुपये का जुर्माना वहाँ से अगर तुम यानी कि उसमें प्लास्टिक वगैरह डाल दोगे। और यहाँ भाई अच्छा लगा तुम्हारी कसम, ये चीज़ देख के साफ सफाई तो है। उधर थोड़ा NCR में भाई गंदगी मचा रखी लोगों ने, क्या करें भाई, आदत ऐसी होती जा रही है उनकी। और दिल्ली वाले तो ऐसे हो रहे कि भाई उन्हें बिल्कुल फ्री का चाह हर चीज़, पानी से लेगा, बिजली से लेगा, हर चीज़। और फिर केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो भाई क्या ही बताएं तुम्हें। पर इधर आकर अच्छा लगा वाकई में, खूबसूरती तो है देखो इधर। पर अगर रियलिटी बताऊँ तो वेस्ट यूपी का जो एरिया है वो वाकई में ही स्वर्ग है भाई। सबसे बड़ी बात है हर चीज़ की फैसिलिटी है इधर, तो बस घूमने फिरने के लिए तो सही है, क्योंकि भाई साफ सफाई है, पहाड़ देखने को मिल जा, झील वगैरह देखने को मिलेगी। हमारे इस साइड उस साइड ऐसा है नहीं कुछ, पर भाई रियलिटी में वहाँ सुख सुविधा बहुत ज़्यादा है यहाँ के मुकाबले। वहाँ हर चीज़ तुम्हें आराम से मिल जाएगी, आसानी से बड़ी, पर यहाँ थोड़ा दिक्कत कर जा ये चीज़ें। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो भाई वो आसपास हॉस्पिटल नहीं मिलने का, तुम्हें बहुत दूर जाना पड़ेगा। पर हमारे वहाँ पे ऐसा है नहीं, हर जगह पे तुम्हें बड़े बड़े अस्पताल मिल जाएंगे तो ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। पर इस साइड ऐसा नहीं है, लोगों को भाई हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ा है यहाँ पे। 300 किलोमीटर और भाई वाराणसी है भाई 570 किलोमीटर। अभी भी तुम्हारे भाई का बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है, उम्मीद करता हूँ भाई हाथ पैर सलामत रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तक जैसे ठीक चलता है भाई, ऐसे चलता रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई बहुत जल्दी पहुँचेगा वहाँ पर अपनी मंजिल पर। वैसे भाई तुम्हारे भाई के फॉलोअर्स वगैरह सब्सक्राइबर तो बढ़े नहीं, पर उसका मुझे कोई भी वो नहीं है कि भाई बड़े नहीं, गम है ये वो कुछ नहीं। पर एक चीज़ है कि तुम्हारे भाई ने दुनिया को उस नज़रिए से देख लिया जिसे बहुत कम लोग देख पाए।
कि भाई बाइक से भी तुम घूम लोगे, गाड़ी से भी तुम घूम लोगे, पर वो चीज़ नहीं देख पाने की जो मैं देख चुका हूँ, जो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, वो चीज़ तुम्हें उस पर नहीं देखने को मिलेगी। एक साइकिलिस्ट ही वो चीज़ देख सकता है, बाकी कोई नहीं देख सकता। एक बाइक वाला भी फेल के निकल जाएगा, पर वो जो चीज़ हम फील कर सके ना, वो ना तो एक बाइक वाला कर सकता, ना एक गाड़ी वाला कर सकता, कोई नहीं कर सकता। पानी खत्म हो गया और आसपास कहीं पे पानी भी नहीं है, किसी के घर जाके लेना पड़ेगा। कोई दुकान ही नहीं है, ना कहीं पे हैंडपम्प है, किसी के घर जाके पूछता हूँ भाई पानी मिल जाएगा क्या? क्या करूँ, साफ पानी है ये? अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर ये वो क्यों कर रखा है? नीचे से आ रहा है पानी? ये कम से कम 1.5-2 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर से पानी आ रहा है, तभी इधर खेती नहीं होती। नहीं, अब क्या करें यार? अच्छा, थोड़ा बहुत होता है भाई। कुछ भी कहो, हमारे एरिया से ऊपर कोई एरिया नहीं है। पानी के मामले में ले लो, खाने पीने के मामले में ले लो, और भाई ज़मीन के हिसाब से ले लो, क्योंकि भाई पीने के पानी अगर कहीं होगा नहीं तो भाई जीवन अस्त व्यस्त है बस। तो भाई लोग, हमारे कुछ भाई मिले हैं। भाई कहाँ से हो? हम भोपाल से। भोपाल? और भाई? हम भी भोपाल से। भोपाल से? भोपाल में कहाँ से हो? भोपाल में मैं तो रहता हूँ निमाके के पास, ये रहता है साकेत नगर के पास। अच्छा अच्छा, तो भाई कहाँ से स्टार्ट किया तुमने? हमने स्टार्ट किया था हिमाचल कसौल से। हिमाचल कसौल से? तो मतलब कि भोपाल से स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसी मुझे पहाड़ पे जाने का पहले मन था। अच्छा अच्छा, तो पहले वहाँ से गए, फिर उसके बाद रिटर्न गया? कन्याकुमारी तक जाएंगे और फिर ट्रेन पे आएंगे। तो भाई ये पहले तो जाएंगे, अब ये जा रहे हैं कन्याकुमारी, और फिर कन्याकुमारी से बाद में रिटर्न आएंगे। तो टोटल कितने किलोमीटर होगा तुम्हारा? टोटल होगा 3500। और वैसे दिन में कितना किलोमीटर चलाते हो? 6200। अच्छा, भाई किस कंपनी है क्या? अरे वाह, ये बाइकर्स प्राइड है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी खुद की कंपनी है? खुद की है बाइक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका वेट कितना होगा साइकिल का? भाई इसका मेरी 10.5 केजी वेट है। 10.5 केजी, और कितने की है अराउंड? ये 35 की। तो भाई लोग डिकैथलॉन की है। अच्छा, डिकैथलॉन की मेरी। अच्छा, वो तेरी है। तो भाई ये भाई की बाइक है, इसकी है कीमत भाई 35,000 रुपये। और जो ये वाली बाइक है इसकी देख लो तुम, इसका भी तकरीबन 10.5 किलो वेट होगा, और ये भी तकरीबन 80 से 85 हज़ार। इतने की है इसका। अच्छा, वेट तो मतलब साइकिल का वेट है 10.5 किलो, और बाकी जो सामान है उसका वेट 20 किलो है। अच्छा, उसका 20 किलो? हाँ, करीब 20 किलो का सामान। और भाई लोग, अब इस शेरनी को देख लो, इसमें कम से कम 18 से 20 किलो वेट है साइकिल साइकिल में। और भाई लगेज की बात करें तो कम से कम 20 से 25 किलो के आसपास होगा अराउंड। तो कुल मिला के मेरा 45-50 के आसपास है। ठीक है भाई लोग, भाइयों से बाय बाय बोलते हैं भाई। ठीक है, मैं फिर कभी मिलेंगे। बिल्कुल, तो भाइयों को ऑल द बेस्ट कहना। भाई ये जा रहे हैं अब यहाँ से सीधा कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से बाद ये जाएंगे फिर वापस ट्रेन से ही आओगे? हाँ, वापस से ट्रेन से आएंगे। चलो बढ़िया है। ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई, आपको भी। तुम्हारे भाई को स्टे मिल गया है। आज तुम्हारा भाई पेट्रोल पंप पे नहीं रुका हुआ, आज तुम्हारा भाई मंदिर में रुका हुआ है। यहाँ पे डैम है, डैम के पास में एक मंदिर है गणेश भगवान का, तो मैं यहाँ पे स्टे मिल गया। जो यहाँ के स्वामी जी हैं बहुत दिन के अच्छे हैं। मेरे पास भाई कंबल वगैरह नहीं है, तुम्हें पता मैंने स्लीपिंग बैग तो वहीं पर मंगलोर में छोड़ दिया था, तो उन्होंने एक कंबल दिया। तो भाई आज अच्छी वाली नींद आएगी, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ यार आज। तो भाई लोग बात करते हैं आज की। आज तुम्हारे भाई ने 117 किलोमीटर साइकिलिंग की है। तो भाई लोग, आज का टास्क होता है कम्प्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।